बदल सकता है, किंतु निर्णय तो मनुष्य के विचारों से जन्म लेते हैं ना, और अपने विचारों में परिवर्तन कर पाना बहुत कठिन है। जीवन भर हम जिस प्रकार के विचारों का अभ्यास करते आए हैं, उसी प्रकार के विचार करता है मनुष्य, और जब विचारों में परिवर्तन नहीं आता तो उसी प्रकार के निर्णय लेता है। अंततः भाग्य में परिवर्तन नहीं हो पाता। युवराज दुर्योधन भी अपना भविष्य बदल सकते थे, किंतु वो अवसर अब उनके हाथ से जा चुका है। मनुष्य के विचार बनते हैं उसके साथ किए गए व्यवहार से। वासुदेव, जिसके साथ जन्म से केवल अन्याय ही हुआ हो, यदि वो समाज को शत्रु माने तो उसमें आश्चर्य क्या है? इस सिंहासन पर मेरे मित्र का अधिकार है। वो कैसे? युवराज के पिता राजा हैं और राजा का पुत्र ही राजा बनता है। अर्थात अधिकार क्या जन्म से सिद्ध होता है, सामर्थ्य से नहीं? आप मुझे मेरी ही बातों में उलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वासुदेव। मैंने केवल सम्मान मांगा है, अधिकार नहीं मांगा मैंने कभी, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकार जन्म से सिद्ध होता है और सम्मान सामर्थ्य से। फिर तो आपको केवल रथ का सारथी बनने का अधिकार है अंगराज, इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे आप? जब सारा समाज मेरे सामर्थ्य का अपमान कर रहा था, उस समय मेरे मित्र दुर्योधन ने उसे उचित सम्मान दिलाया था वासुदेव। उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए ये युद्ध है ही नहीं वासुदेव, केवल कर्तव्य का निर्वाह है। और यदि आप क्षत्रिय होते, राजा बनना आपका अधिकार होता, किसी का उपकार नहीं, तब भी क्या ये युद्ध आपको कर्तव्य प्रतीत होता? ये प्रश्न ही व्यर्थ है वासुदेव, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूं। राजा बनना मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार जन्म से सिद्ध होता है। मेरा तो ये मानना है कि अधिकार सामर्थ्य को मिलना उचित है, और सम्मान सम्मान तो मनुष्य को स्वयं के लिए होना उचित है, क्योंकि जो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करता है, आशा करता है, वास्तव में उसके लिए कोई भी सम्मान पर्याप्त प्रतीत ही नहीं होता। जैसे आप